नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं bollywoodcalendar.com। बॉलीवुड में फिट बने रहने का प्रेशर, काम का प्रेशर, पॉपुलैरिटी का प्रेशर और बहुत ही तरीके के प्रेशर हमारे सितारे झेलते हैं। और ऐसे में जब आपका हमसफर आपका साथ छोड़ दे तो मानो दिल ही टूट जाता है। लेकिन हमारे टीवी की कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्होंने तलाक के बाद अपने सपनों को कभी टूटने नहीं दिया, बल्कि अपने आप को बटोर कर उन्होंने अपने हर सपने को सच करके दिखाया। तो आइए जानते हैं कुछ उन टीवी एक्ट्रेस की जिंदगी की कहानी जिन्होंने तलाक के बाद अपने आप को टूटने नहीं दिया, बल्कि अपने आप को और अपने करियर को सातवें आसमान तक लेके गई। रश्मि देसाई, आज ये नाम शायद ही अनजाना सा लगे। एक्ट्रेस रश्मि देसाई जितनी सुंदर हैं उतनी ही कमाल की उनकी एक्टिंग है। उतरन सीरियल में तपस्या का किरदार निभाकर रश्मि देसाई हर दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब रहीं। बिग बॉस 13 में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद रश्मि देसाई ने नागिन 4 में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। रश्मि ने रियलिटी शो जैसे झलक दिखला जा, नच बलिए, फेयर फैक्टर और कई ऐसे ही शो में अपने हुनर को पहचान दी। अपने पहले ही शो उतरन में काम करते हुए रश्मि को अपने को एक्टर नंदिश संधू से प्यार हो गया। फिर 2011 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के 2 साल के बाद ही दोनों के अलग होने की खबर मीडिया में आने लगी। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को ठीक करने की काफ़ी कोशिशें करी, लेकिन इसके बाद भी दोनों का ये रिश्ता काफ़ी दिन तक चल ना पाया। जब हालात बनते नज़र नहीं आए तो 2015 में रश्मि देसाई और नंदिश संधू ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद रश्मि देसाई में बहुत बदलाव देखने को मिले। अब वो अपने करियर को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि आज रश्मि देसाई टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। माया मेहरोत्रा उर्फ जेनिफर विंगेट टीवी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत में से एक हैं। उनको टीवी के पॉपुलर सीरियल बेहद से एक नई पहचान मिली थी। इस सीरियल में जेनिफर विंगेट ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है जिसका ऑब्सेशन कब क्या कर दे कोई नहीं जानता था। ये सीरियल इतना हिट हो गया कि इसके बाद जेनिफर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जेनिफर विंगेट को करियर में इतनी सफलता तलाक के बाद ही मिली थी। जेनिफर की शादी एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थी। दोनों की मुलाकात दिल मिल गए सीरियल में काम करने के दौरान हुई। फिर दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इनकी शादी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही और कुछ दिन के बाद ही इन दोनों का तलाक हो गया। जेनिफर ने खुद को संभाला और अपनी एक्टिंग पर बहुत काम किया। आज जेनिफर टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान रखती है। वैसे तो करण सिंह ग्रोवर इस समय विपाशा बासु के साथ शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जेनिफर ने अभी तक शादी नहीं की है। स्नेहा वाघ, एक वीर की अरदास वीरा। सीरियल में वीरा की मां का किरदार निभाने वाली स्नेहा वाघ की शादी एक्टर आविष्कार दरवेकर से हुई थी। बता दें कि शादी के समय उनकी उम्र 19 साल की थी, लेकिन कच्ची उम्र का ये प्यार लंबे समय तक टिक नहीं पाया और दोनों का तलाक हो गया। खबरों के अनुसार स्नेहा की शादी घरेलू हिंसा के कारण टूटी थी। इसके बाद स्नेहा ने इंटीरियर डेकोरेटर अनुराग सोलंकी को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों की शादी भी हुई, लेकिन दोनों के विचार एक दूसरे से टकराने लगे और उनका रिश्ता फिर से टूट गया। स्नेहा वाघ को सच्चा प्यार नहीं मिल पाया और फिर से अकेली हो गई। लेकिन अकेले होकर भी स्नेहा टूटी नहीं और वो आज भी अपनी जिंदगी का खुलकर स्वागत करती हैं। श्वेता तिवारी, कसौटी जिंदगी की सीरियल की प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है। लेकिन श्वेता तिवारी की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं रही। श्वेता की पहली शादी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और प्रोड्यूसर राजा चौधरी से हुई, लेकिन ये रिश्ता निभ नहीं पाया और श्वेता ने राजा को तलाक दे दिया। बता दें कि इनकी एक बेटी भी है। फिर श्वेता तिवारी ने एक्टर अभिनव कोहली से शादी की, लेकिन ये शादी भी निभ नहीं सकी और श्वेता अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहने लगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, श्वेता तिवारी और अभिनव का एक बेटा भी है। इस समय श्वेता तिवारी अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही कर रही हैं और टीवी इंडस्ट्री में खूब नाम कमा रही हैं। तो ये थी टीवी इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया और हमसफर का साथ छूटने के बाद भी अपने सफ़र को जारी रखा। बॉलीवुड से जुड़े किस्से कहानियाँ सुनने के लिए देखते रहिए bollywoodcalendar.com।